हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं KAU 2023 एडमिशन यानी कि केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 2023 एडमिशन के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे आपका केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन जो है यहाँ पे ICAR AIEE के थ्रू कंडक्ट मीन्स यहाँ पे जो है आपका एडमिशन होगा। इसके स्कोर कार्ड के बेसिस पर ICAR AIEE नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। अब गाइस, यहाँ पे जो 2011 में यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेपरेट हो गई थी, लाइक यहाँ पे KVASU केरला वेटरनरी एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी एक हो गई थी, फिर KUFOS केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडी, और फिर केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी KAU। तो तीन यहाँ पे जो डिवीजन वाइज आप लोगों की यूनिवर्सिटी जो यहाँ पे डिवाइड कर दी गई थी। तो वो चलिए अब इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। लाइक अभी तक जो है यहाँ पे आप लोगों की ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू गाइस यहाँ पे डेट्स अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे वो यहाँ पे रिलीज हो चुका है। तो अब आइए एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। आप लोगों को यहाँ पे जो UG PG PhD हर एक लेवल के कोर्सेज में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन सबमिट करने नहीं आता है तो गाइस आपको सिंपली क्या करना होगा, चैनल पे जाना है। चैनल पे आकर आपको सर्च करना है ICAR AIEE 2023 एप्लीकेशन फॉर्म, आपके सामने वीडियो ओपन हो जाएगा, इस वीडियो को पूरा देखना है। सेम प्रोसेस जो है आपको सेम फॉलो करना है, आपका भी एप्लीकेशन विदाउट एनी एरर आप जो है फिल करके सबमिट कर देंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन फिल करते हैं, उन्हें कोई आइडिया नहीं होता किस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, डाटा किस तरह से एंटर करना है, स्कैन किस तरह से करना है डॉक्यूमेंट्स को, और इस वजह से उनका एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट गाइस बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आप लोगों की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करे जाते हैं, तो हर एक कोर्स की जो एलिजिबिलिटी गाइस यहाँ पे आपकी डिफरेंट है। तो लाइक अगर BSc हॉर्न स्पेशलाइजेशन एग्रीकल्चर की बात की जाए, तो यहाँ पे आप लोगों का जो गाइस एलिजिबिलिटी है वो है कि आप लोग हायर सेकेंडरी पास आउट रहनी चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन बायोलॉजी एंड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यहाँ पे जो है सेपरेटली भी तीनों में आप लोगों के जो है 50-50% मार्क्स रहनी चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इस तरह से हर एक कोर्स की अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप जो कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपने जो चेकआउट कर सकते हैं सिंपली डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के थ्रू। अगर MBA में एडमिशन चाहिए तो MBA के लिए गाइस आप लोगों का जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो KMAT CAT CMAT या MAT के स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। अब गाइस नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस कुछ इस तरह से कि 80% जो है गाइस यहाँ पे आप लोगों का स्कोर कार्ड के मार्क्स पे रहेगा, यानी कि KMAT CMAT या CAT का स्कोर कार्ड है तो उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे 80% जो यहाँ पे होगा, ग्रुप डिस्कशन का 10% और इंटरव्यू का 10, तो इस तरह से टोटल 100 जो है डिविजन रहने वाले है। अब गाइस नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे आप लोगों के एडमिट कार्ड की। तो गाइस आप लोगों का जो एग्जाम का एडमिट कार्ड यहाँ पे जब रिलीज होता है, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल पाता एडमिट कार्ड रिलीज हो गया और वो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते। कई बार पता नहीं होता किस तरह से डाउनलोड करना है, लिंक कौन से, और इस वजह से डाउनलोड नहीं कर पाते। तो गाइस आप लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं, आपको सिंपली करना है जिसे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, तो एडमिट कार्ड रिलीज होता है हम उसके ऊपर वीडियो बनेंगे, उस वीडियो में आपको लाइव एडमिट कार्ड डाउनलोड करके बताया जाएगा। आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है ना, आपका यहाँ पे जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। सेम ऐसे चीज और रिजल्ट मेरिट लिस्ट काउंसलिंग हर एक इवेंट आपको लाइव परफॉर्म करके बता दिया जाएगा। सो गाइस नाउ आई होप आपको केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 2023 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनकेस डाउट आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।